हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को देखकर ज़रूर पसंद आएगी, ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आने वाली है। जी दोस्तों, ये वीडियो में जानना चाहते हो क्या है कि तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो उसे कैसे पता करें उसकी लोकेशन और उसे वहीं से लॉक कर सकते हैं, उसे आप वहीं से लॉक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने फ़ोन को, अगर कोई फ़ोन आपका खो गया है तो उसे अपने घर बैठे सिर्फ एक उस ईमेल आईडी से पता कर सकते हैं और उसे घर बैठे वहीं से लॉक भी कर सकते हैं और उस फ़ोन का अपना सारा डाटा घर बैठे डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है। इसमें आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना होगा अपने प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद वहाँ पर आपको सर्च बार में लिखना होगा फिंड माई डिवाइस। तो मैंने पहले से ही सर्च किया हुआ, तो फिंड माई डिवाइस आप लिख लेना। तो आपको सिंपली आपको ये दिख रहा होगा फिंड माई डिवाइस, इस वाले ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है आपको। चलिए मैं इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो चलिए बैक चलते हैं, यहाँ से आपको ओपन कर लेना है ये। तो ओपन करने के लिए चलिए आपको ये आपको यहाँ पर सिंग इन एजेस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। ये इसको ऐसा इंटरफेस चमकेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ परमिशंस मांगेगा और आपको दे देनी है। तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, जो आपकी उस फ़ोन में ईमेल आईडी लगी हुई थी, वो यहाँ पर आपको टैप करनी है। तो आपको हर किसी को पता रहता है कि मेरा फ़ोन में कौन सी ईमेल आईडी लगी हुई है। हर कोई जानता है कि मैंने ईमेल आईडी कौन सी बनाई थी। वो उस ईमेल आईडी को डालना है और उसका यहाँ पर पासवर्ड डालना है। चलिए मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ, पर मैं अपना फोन वो इसमें ईमेल आईडी डाल के दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ आपको। वेट कीजिएगा थोड़ा। थोड़ा वेट कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा टाइपिंग अभी कर रहा हूँ मैं, आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, आपको पासवर्ड दे देना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इसका पासवर्ड टाइप कर देता हूँ। चलिए दोस्तों, ये मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देनी है। जैसे ही आप अलाउ करोगे तो यहाँ पर जितने भी आपके फ़ोन में ईमेल आईडी जितने भी फ़ोन्स में आपको चल रही होगी, वो यहाँ पर सब फ़ोन आपको दिखाई जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी ईमेल आईडी, मतलब मेरे दोस्त की आईडी कितने फ़ोन में चली हुई है। देखिए, पहले मेरा कूल पैड 1500 इतने में चली हुई है, और देखिए ये MI Note 3 में भी आईडी चल रही है, और ये देखिए जियो J7 में भी आपकी ये आईडी चल रही है, और एक पैनासोनिक में ये आईडी आपकी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये आपको इसमें से चूज़ कर लेना है आपका कौन सा। आपको जैसे ही ईमेल आईडी डालोगे उसमें आपको कई सारे फ़ोन आएंगे जिसमें आपने ईमेल आईडी अपनी ट्राई कर रखी है, तो उसमें से आपको अपना फ़ोन सेलेक्ट कर लेना है जो सा आपका फ़ोन खो गया है। तो मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। प्ले साउंड देखिए, आपको मैं प्ले साउंड करके दिखाता हूँ, मैं अपने फ़ोन पर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से आपको प्ले साउंड पर जैसे ही क्लिक करोगे, देखिए मेरे फ़ोन में आपके ये ईमेल आईडी लगी हुई है, तो मेरा ही फ़ोन यहाँ पर बज रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। देखिए, तो चलिए आपको एक और इसकी एक खास और ट्रिक दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आपको ये इनेबल सेलेक्ट इरेज, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपका सारा डाटा जो भी उस फ़ोन में पड़ा हुआ है, वो आपका ईमेल आईडी का जो डाटा पड़ा हुआ है वो सब कट जाएगा। तो दोस्तों, दिखा देता हूँ मैं ये इसकी। देखो, लोकेशन भी आप यहाँ से इस पर फ़ोन पे टैप करके आपको दिखा सकता हूँ। लोकेशन आप देख सकते हो इस फ़ोन पे टैप करके। देखिए, ये थोड़ा जूम करना पड़ेगा, आपको दिखा देता हूँ इसकी लोकेशन। देखिए, ये अभी थोड़ा नेट कमज़ोर है, चलो MI Note 3 की आपको लोकेशन दिखा देता हूँ। ये भी मेरा फ़ोन था, ये मैंने इसमें पहले से ही। तो यहाँ पर आपको लोकेशन चमक जाएगी दोस्तों इस फ़ोन पे, आपको जैसे ही देखिए ये आने लगे हैं। देखिए, आपको जितना भी छोटा करते चले जाओगे, आपके पास के लोकेशंस जितने भी हैं, आपके पास गांव, ये सब यहाँ पर खुल के आ जाएगा। तो दिखा देता हूँ आपको, चलिए।
तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, देखिए इसके आसपास के यहाँ पर गांव आपको चमकेंगे। ये मेरा थोड़ा नेट स्लो है, आप जितना आपका नेट तेज होगा स्पीड सही होगी, इतनी फास्ट करेगा ये। तो मेरा नेट थोड़ा स्लो है तो आपको दिखा देता हूँ मैं, चलिए देखिए दोस्तों। ठीक है, ऐसे आप पता कर सकते हैं कि कहाँ पर ये फ़ोन है कौन सा, और ये इतना बताएगा कि ये लोकेशन आपको बता रहा है, और ये भी बताएगा कि आप कितने फ़ोन में आपकी ईमेल आईडी चल रही है। और यहाँ से आप प्ले साउंड भी कर सकते हैं। और इसमें एक और आपको दिखा दूँ खास बात, तो चलिए दोस्तों ये कि मैंने दूसरे फ़ोन पर देखी है अपने पर, तो यहाँ पर भी इसका इरेज डाटा कर सकते हैं, यहाँ पर प्ले साउंड कर सकते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। चलिए दोस्तों एक मिनट बने रहिए, अभी थोड़ा लेट खुल रहा है, थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये इसके भी लोकेशन यहाँ पर आपको चमक जाएगी। तो यहाँ से आप इसका डाटा जितना भी पड़ा है इसे इरेज कर सकते हैं, और इसी को वहीं से ही लॉक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है। अब एक चीज़ और आप बता दूँ, यहाँ पर इरेज के नीचे एक ऑप्शन और आएगा लॉक करने का, तो आपको यहीं से फ़ोन को लॉक कर सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपको कोई भी कंफ्यूज या परेशानी है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा ज़रूर, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को टेक्निकल मोबाइल वीडियो को सब्सक्राइब जरूर।